हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे एक फिर से एक बार। दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि किसी खिलाड़ी ने क्रिकेट मैच में चीटिंग की, किसी गेंदबाज ने चीटिंग की, किसी कप्तान ने चीटिंग की, लेकिन आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैच के दरमियान किसी अंपायर ने या थर्ड अंपायर ने चीटिंग की। लेकिन आज के मैच में हुआ यही। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे थर्ड T20 मैच में आज 11वें ओवर में टी नटराजन के गेंद पर मैथ्यू वेड आउट हो चुके थे, वो भी LPW, जबकि अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, जिसके बाद आप सबको पता है कि 15 सेकंड के अंदर कोई भी कप्तान रिव्यू ले सकता है, और विराट कोहली ने 15 सेकंड के अंदर रिव्यू ले भी लिया। और फिर से एक्शन रिप्लाई देखने के लिए थर्ड अंपायर ने स्क्रीन शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन अचानक थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दे दिया, पूरा रिव्यू देखे बगैर ही नॉट आउट दे दिया। तो इसका कारण आप सोचेंगे क्या हो सकता है। इसका कारण भी काफ़ी अजीबोगरीब है। दोस्तों, आपको पता है कि रिव्यू सिस्टम किस लिए लाया गया है? दरअसल अंपायर से जो गलतियां होती है उसे सुधारने के लिए थर्ड अंपायर के पास रिव्यू लिया जाता है, और उससे अंपायर की गलतियां कम होती है। इसी वजह से रिव्यू सिस्टम शुरू किया गया है। लेकिन आज इस पॉइंट को नज़रअंदाज करते हुए अंपायर ने और थर्ड अंपायर ने सीधे इस मैथ्यू वेड को नॉट आउट दे दिया। जी हाँ, और इसका कारण भी काफ़ी अटपटा है। उनका कहना था कि जब ये सब हुआ तब कोहली रिव्यू लेने से पहले ही जो स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन होती है उस पर इसका एक्शन रिप्लाई दिखाया जा चुका था, इस वजह से कोहली को मदद हो गई रिव्यू लेने के में। इस वजह से मैथ्यू वेड को तकरीबन 50 रन के आसपास नॉट आउट करार दिया गया, और इसका खामियाजा सीधे भारतीय टीम को भुगतना पड़ रहा है। अभी भी मैथ्यू वेड 72 रन पर नॉट आउट है और काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आपने किसी कप्तान को अगर 15 सेकंड दिए हैं रिव्यू लेने के लिए, तो इसके बाद आसपास क्या हो रहा है इस पर तो कप्तान का बस नहीं चलता, इसलिए उनको रिव्यू लेने के लिए जो 15 सेकंड दिए है वो रिव्यू उनको मिलना ही चाहिए। क्या ये गलती कि बड़ी स्क्रीन पर वो रिप्लाई दिखाया गया, ये क्या टीम इंडिया की गलती थी? क्या ये विराट कोहली की गलती थी? क्या ये टी नटराजन की गलती थी? नहीं ना। तो इसमें अगर हमारे टीम की गलती नहीं तो इस रिव्यू को क्यों नकारा गया, जबकि साफ साफ वहाँ पे दिख रहा था कि ये बॉल काफ़ी अच्छा था, पिच भी एकदम बराबर हुआ था और स्टंप पर हिट भी कर रहा था, यानी वो पूरी तरह से मैथ्यू वेड आउट थे, लेकिन फिर भी उन्हें नॉट आउट करार दिया गया, वो भी टीम इंडिया की कोई गलती न होने के बावजूद। आप सबकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।